यह बात बिल्कुल सही है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहा। उसके बाद यह नाम हर व्यक्ति की जुबान पर चढ़ गया, लेकिन इसकी व्याख्या न्यायमूर्ति चंद्रशेखर धर्माधिकारी ने राकेश पांडे के संपादन में प्रकाशित संचयन व संपादक पुस्तक गांधी और हिंदी की भूमिका में की है। इसका अर्थ उन्होंने बहुत ही स्पष्टता से बताया है, उन्हीं के शब्दों को मैं यहाँ उद्धृत कर रहा हूँ। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि गांधी को हमने राष्ट्रपिता कहा है, न कि भारत पिता या हिंदुस्तान का पिता। गांधी से पहले भारत या हिंदुस्तान देश था, लेकिन राष्ट्र नहीं था। देश भौगोलिक संकल्पना है, नदी पहाड़ प्रदेश इनकी सीमाओं से बनता है। राष्ट्र तो उस देश में रहने वाले नागरिकों के परस्पर साथ जीने के नित्य संकल्प से उजागर होता है। कितना स्पष्टता से न्यायमूर्ति ने अपनी बात को रखा है। इसके आगे वे लिखते हैं, ऐसी राष्ट्र भावना स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी ने निर्माण की। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक और द्वारका से लेकर डिब्रूगढ़ तक की जनता कंधे से कंधा मिलाकर आज़ादी के आंदोलन में एक साथ समानता और समान भावना से धर्म भाषा और प्रदेश पर आधारित भेदभाव भूलकर शामिल हुई। इस तरह यह स्पष्ट हो जाता है कि गांधी जी को क्यों राष्ट्रपिता कहा जाता है। गांधी जी ने भारत की प्राचीन परंपराओं सत्य अहिंसा सत्याग्रह आश्रम व्यवस्था स्वदेशी ग्राम स्वराज आदि को पुनर्जीवित किया। उन्होंने हिंदू धर्म की नए सिरे से कुछ मामलों में व्याख्या की, इसीलिए उन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता है। वैसे भी देश में जो आज़ादी का आंदोलन चला उसमें अनेक धाराएं थीं, लेकिन सबसे ज़्यादा लोग गांधी जी के द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चल रहे हैं और देश को आज़ादी प्राप्त हुई, इसलिए भी उन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता है। फिर गांधी जी ने अनेक नैतिक मूल्यों को स्थापित किया, उन्होंने राष्ट्र की चेतना जगाई। वरना 1857 के आंदोलन के पश्चात, प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के पश्चात, जिसे अंग्रेजों ने बहुत ही क्रूरता से दबा दिया था, देश के लोग चुपचाप बैठ गए थे, लेकिन गांधी जी ने 1915 में भारत आकर के लोगों के अंदर चेतना जगाई, आज़ादी का भाव भरा और एक विराट आंदोलन खड़ा कर दिया। इसलिए भी उन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता है।